दोस्तों आपने YouTube पर इस तरह के वीडियोस को जरूर देखा होगा। जब भी आप YouTube पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो शॉर्ट्स में या फिर ब्राउज फीचर में आपको इस तरह के वीडियोस कभी ना कभी देखने के लिए जरूर मिला होगा। और इस तरह के वीडियोस अभी के टाइम पे काफी देखे जा रहे हैं, काफी ट्रेंड में चल रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियोस को बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं और यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सोचते हैं कि ऐसे वीडियोस बनाना काफी मेहनत काम है, लेकिन मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको जिस तरह का बताऊंगा वहां से अगर आप यूज करोगे तो उस तरीके से आप बहुत ही कम मेहनत में, नहीं के बराबर मेहनत में आप ऐसे वीडियोस को रेडी करोगे और यूट्यूब पर अपलोड करके आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा यहां पर कि वो कौन सा चैनल जो इस तरह कंटेंट पर काम कर रहा है और वो कितना पैसा कमाता है और आप वीडियोस कैसे बनाएंगे, कंटेंट कहां से मिलेगा, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से देख लोगे तो आप भी ऐसे कंटेंट बनाना सीख जाओगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप ऐसे कंटेंट बना सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को शुरू करके लास्ट तक ध्यान से जरूर देखेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच सके। दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले प्रूफ कि वो कौन सा चैनल जो अभी के टाइम पे ऐसे कंटेंट पर काम कर रहा है। तो यहां मैं आपको दिखाता हूं एक चैनल जिसका नाम है मिस आलसी। दोस्तों आपको बता दूं इस चैनल पर अभी के टाइम पे मात्र 155 वीडियो अपलोड किया गया है और 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर अभी के टाइम पे इनके चैनल पर हो चुके हैं। और यहां पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका पहले भी एक चैनल था जिस पर 8 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हो गए थे और वो चैनल डिलीट हो गया था। और उस चैनल को डिलीट होने के बाद में इन्होंने दिमाग लगाया और ऐसा कॉन्टेंट यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया और अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं, सिर्फ 155 वीडियो अपलोड करके 10 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर गेन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं इनके वीडियोस पर व्यूज कितने आते हैं। आप देखोगे काफी अच्छे खासे व्यूज इनके कंटेंट पर आ रहे हैं। यहां मैं जाऊंगा पॉपुलर में और देखिए यहां पे करोड़ों व्यूज गए हुए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 74 मिलियन व्यूज है, ठीक है, 58 मिलियन व्यूज है, 56 मिलियन व्यूज, 29 मिलियन, 22 मिलियन, 22 मिलियन, 20 मिलियन, 18 मिलियन, 15 मिलियन, मिलियंस में व्यूज हर एक शॉर्ट वीडियो पे आ रहे हैं। और इसके बाद में यहां आता हूं इनके रिसेंट शॉर्ट पे, लेटेस्ट पे आता हूं तो यहां भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे हजारों में व्यूज इनके कंटेंट पर आ रहे हैं। अब दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा कि इनका कंटेंट किस तरह का, तो आपको मैं दिखाता हूं यहां पर जाऊंगा और यहां पे देखिए ये कंटेंट आप देखे होंगे कभी ना कभी YouTube पर, ठीक है। और यहां पे देखिए मैं साउंड भी देता हूं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से ये कंपटीशन हॉल में बहुत लेट से पहुंचता है और इसे फ्रूट में तरबूज मिलता है जिस पे इसे डिजाइन बनाना होता है पे हंस रहे थे क्योंकि कितना कमाई होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि आपका मोटिवेशन जागता है कमाई देखने के बाद में। तो मैं जाऊंगा सीधे क्रोम में, यहां पे आप सबसे पहले इनके चैनल का नाम देख लीजिए मिस आलसी और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हर महीने YouTube से कितना पैसा ये कमाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हर महीने $20,000 से लेकर के $321.6K तक हर महीने कमाई करते हैं। यहां मैं आपको बता दूं मिनिमम भी आप लेते हैं $20,000, रुपये की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, $20,000 की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ये हर महीने YouTube से कमाते हैं। तो आपको देख करके मोटिवेशन अब जाग गया होगा। अब बात करते हैं कि आप ऐसे कंटेंट कैसे तैयार करेंगे, कैसे एडिटिंग करेंगे, कंटेंट कहां से मिलेगा, सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। तो अब यहां से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। अब मैं चलता हूं वापस YouTube एप्लीकेशन में और यहां मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कंटेंट कहां से मिलेगा। तो YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है 5 मिनट क्राफ्ट, यहां मैं लिख लेता हूं 5 मिनट क्राफ्ट, ठीक है, और ये चैनल यहां पर आ चुका है। और यहां पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको अलग अलग तरह के क्राफ्ट वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप वीडियो को डाउनलोड करोगे। और एक खास बात है कि यहां से अगर आप कोई एक वीडियो को डाउन करते हो तो यहां से आपका 5-6 कंटेंट एक ही वीडियो से रेडी होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पे मैं वीडियोस पे जाऊंगा और यहां पे देखिए अलग अलग वीडियोस आपको यहां पे मिल जाएंगे, आप किसी वीडियो को अपना वॉइस ओवर देकर के रेडी कर सकते हैं। ये एक फॉरेन चैनल है, इनका कॉन्टेंट आप यूज कर सकते हैं, इनके तरफ से आपको कॉपीराइट नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आप इनको क्रेडिट दे दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे देना है, ठीक है। तो यहां मैं आपको दिखा
दिखाता हूँ कई सारे वीडियो जहाँ से मिल जाएंगे, आप कोई भी एक वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं एग्जाम्पल की छोटा वीडियो जो है 1 मिनट 37 सेकंड का, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप डाउन करना नहीं जानते हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा कि भाई मुझे डाउनलोड करना बता दीजिए, वहाँ पर मैं बता दूंगा। यहाँ यूट्यूब पर मैं आपको डाउनलोड करना नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो मेरे कॉन्टेंट पर कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कॉन्टेंट को इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया है, आप अलग अलग किसी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और एक वीडियो से आपका 5-6 कॉन्टेंट वीडियो रेडी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपने वीडियो को डाउनलोड कर लिया है, इसके बाद आपको आना है कायन मास्टर पे। ठीक है, तो कायन मास्टर में आने के बाद यहाँ पे आपको जो रेशियो रखना है, आज मैं जो सब आपको बता रहा हूँ शॉर्ट्स का, ठीक है, तो शॉर्ट्स का आप रेशियो जानते ही हैं, 9:16 होता है। तो यहाँ पे आपको जो रेशियो रखना है वो रखना है 9:16। ठीक है, तो मैं कायन मास्टर पे आ गया हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा और रेशियो रखूंगा 9:16 और क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो वीडियो आपने डाउनलोड किया हुआ है वो यहाँ पर मिल जाएगा, उसको आप इंसर्ट कर लीजिए। तो मैं उस वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक ही वीडियो में मैंने कहा था 5-6 वीडियो आपका रेडी होने वाला है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, अभी तरबूज वाला वीडियो चल रहा है, इसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा वीडियो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा वीडियो यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे देखिए दूसरा वीडियो यहाँ से शुरू हो गया है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ाएंगे तो फिर तीसरा वीडियो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई एक वीडियो डाउन कीजिएगा, वहाँ से आपका 4-5 वीडियो 6 वीडियो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक वीडियो को फर्स्ट वाला जो है तरबूज वाला, इसको यहाँ पे काट लेता हूँ, इसके बाद आगे का जो पोर्शन है उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और देखिए तरबूज वाला वीडियो खत्म कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दूसरा वीडियो स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये वीडियो है। ठीक है, तरबूज वाला वीडियो जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा पोर्शन जो है इसको आपको कट लगाना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ट्रिम राइट कर देना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो कंटेंट है 13 सेकंड का यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आपका रेडी होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो जो है वो फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है तो आपको उसको फुल स्क्रीन में करना है। कैसे कीजिएगा वो आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर देखिए पैन एंड जूम का ऑप्शन दिखा दे रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है और बराबर पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद बराबर पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दबा करके जूम करना। ठीक है, आपको स्क्रीन में इस तरह से आप जूम करेंगे तो जूम हो जाएगा। ठीक है, तो जूम करना है आपको फुल स्क्रीन में और यहां पे आप इस तरह से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको बीच में करना है, आप देखिएगा जूमिंग करने के टाइम पे कई लोग साथ होता है कि बाया जाया घसक जाता है, तो आपको जो तरबूज है उसको बीच में सेट करना है और आप प्ले करके देख लीजिएगा, अगर फिर भी सेट नहीं हो रहा है तो आपको फिर से आप सेट कर सकते हैं और बीच में कर देना। ठीक है, तो यहां पे ऑलमोस्ट ये बीच में है, फिर भी मैं एक बार प्ले करके देखता हूं कि वाकई में सभी जगह पर बीच में दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर मैं बैक आऊंगा और यहां पर एक बार प्ले करके देख लेता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए आपको प्ले करके दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बीच में है, सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को स्लो या स्पीड भी कर सकते हैं, तो यहाँ मैं क्या करूँगा वीडियो को थोड़ा सा 1 पॉइंट स्लो कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो वीडियो का स्पीड है उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए 90% कर दूंगा, 1 से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपको मेन काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे इनके जो कॉन्टेंट है इसको आपको क्रेडिट देना है। क्रेडिट कैसे देंगे वो आप यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे आपको जाना है लेयर पे और जाना है टेक्स्ट पे और यहाँ पे आपको सिंपल सा एक वर्ड लिखना है क्रेडिट बाय। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट बाय और 2 बिंदु लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको चैनल का नाम लेना है जहाँ पे आप जहाँ से आपने वीडियो को डाउनलोड किया हुआ है, तो जहाँ से मैंने वीडियो लिया है वो चैनल का नाम है 5 मिनट क्राफ्ट्स, यहाँ पे आपको वही लिख देना है 5 मिनट क्राफ्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 मिनट्स क्राफ्ट्स। ठीक है, ये हो गया और इसके बाद आपको ओके कर देना है और ओके करने के बाद यहाँ से आप चाहे तो इनका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे बोल्ड ले लूँगा और ओके कर दूँगा। इसके बाद इसका जो कलर है इसको आपको चेंज करना होगा, व्हाइट में दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं लूँगा येलो और येलो लेने के बाद मैं यहाँ पर आउटलाइन जो है वो इनेबल कर दूँगा। अब यहाँ पर आउटलाइन को मैं रेड कर दूँगा और रेड करते ही यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है मैंने ये सारा कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप इसको ऊपर में बीच में नीचे में कहीं भी रख सकते हैं जहां आपको ठीक लगता है, तो मैं कर दूंगा ऊपर के साइड में ताकि ऊपर में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मतलब कंटेंट ऊपर की तरफ नहीं आएगा और इसको क्या करना है कि आपको इस तरह से ड्रैग करके वीडियो के लास्ट तक ले आना है जहां तक आपका वीडियो है। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपको ट्रिम राइट यहां पर कर देना है। ठीक है, यहां पर कैंची पर क्लिक करना है और ट्रिम राइट कर देना है। अब इसके बाद सेकेंड काम आपका है कि वीडियो का जो ओरिजिनल साउंड है इसको आपको म्यूट करना है, कम कर देना है। फिर वीडियो पर सिलेक्ट करूंगा और यहां पर देखिए मिक्सर दिखा दे रहा है,
रहा है, इसको यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आपको कम करना है। और इसके बाद जो अगला काम है वो आप देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर उन्होंने अपना खुद का वॉइस ओवर किया हुआ था, जो कंटेंट का मेन साउंड था उसको कम कर दिया था। तो यहाँ मेन साउंड जो है उसको मैंने कम कर दिया है और आपको अपना वॉइस ओवर यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो वॉइस ओवर कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ओके कर दीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम होगा तो। और इसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं अगर आप ऐसा ही कंटेंट लगातार बनाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ मैं स्टार्ट करूंगा और आपको दिखाता हूँ आपको वॉइस ओवर कैसे करना है। आप माइक लगा लेंगे तो और अच्छा साउंड आएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इस लड़की ने एक खरबूजे के ऊपर में काफ़ी सारा रबर बैंड कर दिया है और यहाँ पे देखिए रबर की वजह से प्रेशर बना और यहाँ पे बम की तरह ब्लास्ट हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप भी ऐसा कलाकारी करना चाहते हैं तो आप ट्राई घर पे मत कीजिएगा, नहीं तो रिस्की हो सकता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना वॉइस ओवर कर दिया है, आपको मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका साउंड को बढ़ा सकते हैं अगर आपका साउंड कम आ रहा होगा, ठीक है। फिलहाल मैं चेक करता हूँ साउंड कैसा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ और साउंड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इस लड़की ने एक खरबूजे के ऊपर में काफ़ी सारा रबर बैंड कर दिया है और यहाँ पे देखिए रबर की वजह से प्रेशर बना और यहाँ पे बम की तरह ब्लास्ट हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप भी ऐसा कलाकारी करना चाहते हैं तो आप ट्राई घर पे मत कीजिएगा, नहीं तो रिस्की हो सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका वीडियो है वो यहाँ पे 15 सेकंड का वीडियो यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है और आप इससे लंबे वीडियो बना सकते हैं। हर वीडियो पे आपका लेंथ अलग अलग हो सकता है, आप ऐसे ही वीडियो बनाइए। और मेन साउंड आपका जो होगा, जहाँ से आपने वीडियो लिया है, वीडियो का जो ओरिजिनल साउंड होगा उसको आपको कम करना है और आपका खुद का वॉइस ओवर करना है। सेकेंड काम आपको ये करना है, फोर्थ काम होगा ये। फोर्थ काम आपको ये करना है कि अगर आप चाहें तो थोड़े थोड़े साउंड में आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, मतलब कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करके उसका साउंड को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पे ऑडियो पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर्स पे जाना है और यहाँ से आप कोई भी साउंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के मैंने एक साउंड रखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके ये वाला साउंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साउंड आ गया है और इसका जो वॉल्यूम होगा उसको रखना है आपको 15% या 20% के आसपास में, ताकि आपका वॉइस ओवर के साथ वो मिक्स ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सर पर जाऊँगा और इसका जो साउंड है इसको मैं कर दूंगा लगभग 15%, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं वीडियो को प्ले करता हूं। तो दोस्तों, इस लड़की ने एक खरबूजे को, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपना कंटेंट रेडी कर सकते हैं और आपको मैंने सारा कुछ बता दिया कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, वीडियो कहाँ से मिलेगा, आपको एडिटिंग कैसे करना है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे, भाई अगर हम ऐसे कंटेंट बनाते हैं तो हमारा कैटेगरी क्या होगा, ये भी बता दीजिए। तो भाई साहब, इसका कैटेगरी होगा इंटरटेनमेंट, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कंटेंट को देख करके इंटरटेन करते हैं खुद को, इसलिए आपका कैटेगरी इंटरटेनमेंट होने वाला है। तो अगर आप ऐसे कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक नया चैनल बना लीजिएगा। नया चैनल आप बनाएंगे तभी आपका अच्छा व्यूज आएगा। पुराने चैनल पर हो सकता है कि आपका व्यूज कम आए या फिर नहीं के बराबर आए, लेकिन अगर आप फिर भी पुराने चैनल पर काम करना चाहते हैं तो आप लगातार वीडियोस अलग बनाइए, ऐसे कंटेंट बनाइए, यूट्यूब पर अपलोड कीजिए, 10-15 वीडियो ऐसे अपलोड कीजिएगा, धीरे धीरे आपका व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप नए चैनल बनाएंगे तो आपको अच्छा व्यूज इसलिए मिलेगा क्योंकि यूट्यूब नए चैनल को बूस्ट करता है, नए चैनल को सपोर्ट करता है, इसलिए बोल रहा हूं कि आप नया चैनल बना लीजिएगा। और आपको अगर नहीं आता है कि आप यूट्यूब पर नया चैनल कैसे बना सकते हैं तो आपको इन डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा या फिर उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख करके जा सकते हैं यूट्यूब पर नया चैनल कैसे बनाते हैं सभी सेटिंग के साथ में। अगर दोस्तों आपको ये कंटेंट, ये चैनल आइडिया अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोज को आप वॉच कर सके। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।